अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका अपना फास। वेलकम बैक इन अवर MS वर्ड सीरीज़। इसके अंदर जैसे हमने लास्ट टाइम वीडियो के अंदर होम टेप कंप्लीट भी किया था और हमारा जो लास्ट एडिटिंग ग्रुप था इसके अंदर हमने सीखा फाइंड रिप्लेस और गो टू के बारे में। अगर आप में से किसी ने भी ये जो वीडियो लास्ट टाइम जो हमने रिकॉर्ड करके आपको दिखाई थी वो नहीं देखी या होम टेप की कोई भी वीडियो नहीं देखी तो पहले तो यार होम टेप को कम्प्लीट करो, फिर इस वीडियो को देखो तो आपको और अच्छे से ये वीडियो समझ में आने वाली है। तो चलिए चलते हैं हमारे इंसर्ट टेप के अंदर। सो यहाँ पे भी भाई बहुत सारे ग्रुप्स दिख रहे हैं, तो पहली बात तो घबराना नहीं है। इस चीज़ के अंदर भी आप जैसे होम टेप को ग्रुप वाइज ग्रुप समझते आए थे तो यहाँ पे भी ग्रुप टू ग्रुप आप बातें समझ जाओगे, कोई इतनी बड़ी चीज़ें इसके अंदर नहीं है। और इंसर्ट टेप में आए तो अब हम एडवांस चीज़ें भी सीखेंगे। तो आज का जो हमारा ग्रुप है वो है पेज ग्रुप। इसके अंदर कवर पेज, ब्लैंक पेज और ब्रेक पेज। सुनने में तो बहुत आसान और सिंपल सी लग रही है मगर मोस्टली बहुत सारे लोगों का इन दोनों के बारे में डिफरेंस पता नहीं होता और कवर पेज के बारे में पता नहीं होता, तो आज इनको समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कवर पेज। कवर पेज क्या है? कवर पेज के अंदर यहाँ पे आपको देख रहे हैं बने बनाए कुछ कवर पेज, पर पहले समझते हैं कवर पेज को। कवर पेज वो चीज़ होती है जो कि किसी भी बुक, मैगजीन्स, नोट्स को डिफाइन करे। उसका जो पहला पेज होता है ना जिसके ऊपर उसका टाइटल लिखा होता है, हमें पता चलता है कि ये बुक या नोट्स किसके बारे में, तो उस चीज़ को कवर पेज कहा जाता है। जैसे कुछ अभी मिसाल आपके सामने आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, तो ये कवर पेजेस होते हैं, यहाँ पे भी पड़े हुए हैं। सो आई थिंक यहाँ तक तो समझ गए होंगे कि कवर पेज होता क्या है। यहाँ पे बने बनाए हैं, आगे चल के हम इंशाल्लाह अपना एक एडवांस कवर पेज भी बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे किसी एक कवर पेज को उठा के मैं दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया तो आपके सामने एक बना बनाया कवर पेज मिल गया और सेकंड पेज नीचे आपका लास्ट। तो इसके अंदर आपके सामने यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल लिखा हुआ है, जो नाम आपको अच्छा लगे वो आप लिखो। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अबाउट बाय मी, तो यहाँ पे हो गया ये हमारा टाइटल। और ऐसे ही हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको ऑथर का नाम देना है वो दें, कंपनी का नेम कंपनी का नाम दें, और जो आपका कंपनी का एड्रेस है वो दें। तो ये एक बना बनाया होता है जिसको आप एडिट करके आपके अपने कामों में ला सकते हैं। सो यही थी आज की इसकी नॉलेज, क्योंकि हम कवर पेज बनाना नहीं सीख रहे, कवर पेज को एडिट करना सीख रहे हैं। सो बने बनाए को एडिट इस तरह से किया जाता है, फिर प्रिंट आउट करवा के काम कर लो, वो आपकी अपनी मर्जी है जिसके अंदर इसको आप इस्तेमाल में लाओ। एक मरतबा एडिट कर दो, फिर अगर आप देखना चाहते हो यही डिटेल्स किसी और कवर पेज पर कैसी दिखेंगी, सो देखें मैं इसको चूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर भी अबाउट और सब टाइटल भी दे सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है वही सेम टू सेम। सो यही था कवर पेज और इसके अंदर कोई भी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सो मैं कंट्रोल ए कर रहा हूँ और कर रहा हूँ बैकस्पेस। हमारा कवर पेज जा चुका, हम खाली से बने खाली पेज के ऊपर आ चुके। अब समझते हैं इन दो रिबन्स को। देखिए सिंपल सी बात है, ब्लैंक पेज यहाँ पे कर्सर और मैंने आके ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक किया, सो ऑब्वियसली खाली पेज मिलेगा, राइट? सो अभी के लिए मैं इस ब्लैंक पेज को ख़त्म कर रहा हूँ। इस पेज को ख़त्म करने का तरीका, एक तो आप कंट्रोल जेड दबाओ। कंट्रोल जेड से क्या होता है? अंडू होता है, जो आपने एक्शन अपना जो किया, जो भी अभी किए आपने काम, उसको अगर आप गायब करना चाह रहे हो या मिटाना चाह रहे हो या गलती हो गई तो उसको कंट्रोल जेड करेंगे तो वो सही हो जाएगा। फिर अगर दोबारा से अगर लाना चाहते हो कंट्रोल वाई कर दो तो उसको रीडू कहा जाता है। सो ये दो शॉर्टकट कीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बट सारी शॉर्टकट कीज़ किसी एक क्लास के अंदर मैं बताऊँगा, एक्सप्लेन भी करूँगा अच्छे से, इस वजह से मैं शॉर्टकट कीज़ बताता नहीं हूँ। रिबिन्स के ऊपर आप फोकस करें, ऐसे आप डबल माइंडेड हो जाएंगे। सभी के लिए मैं आपको दूसरा और तरीका, बैक स्पेस दबाएंगे दो मरतबा तो आप अपना वो जो ब्लैंक पेज है वो डिलीट कर सकते हैं। तो ये दो तरीके थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं भाई ब्रेक पेज के ऊपर। देखें कर्सर मेरा वहीं पर ही है और मैं अब ब्रेक दबा रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ पेज ब्रेक के ऊपर। तो क्या हुआ? क्या आधा पेज आया? नहीं, वही काम हुआ जो ब्लैंक पेज ने किया। तो डिफरेंस फिर क्या हुआ इन दोनों के बीच में? यही समझनी है हमें बात। इस क्लास की मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन दोनों के बीच में फिर डिफरेंस क्या हुआ। डिफरेंस ये है, मैं कंट्रोल जेड दबा रहा हूँ कि हमारे पास एक ही पेज आ जाए, ठीक है जी। अब मैं आपको समझाता हूँ डिफरेंस, मगर उसके पहले हमें अपना वही पुराना फार्मूला जो है भाई हेल्पफुल करता है हमारे कामों को, तो वो मैं ला रहा हूँ। आ चुका, तो इसके अंदर आप यहाँ पर देखें मैंने रखा कर्सर बीच में और अब मैं जा रहा हूँ दोबारा से उसी ग्रुप के अंदर और यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैंक पेज के ऊपर मैंने क्लिक किया, ऊपर से आते हैं तो हमारा जो
नीचे वाला टेक्स्ट था वो कहाँ शिफ्ट हो गया, आइए देखते हैं, नीचे करते हैं। नीचे देखते हैं तो पहले तो आपको खाली पेज मिला और उसके बाद जो आपका टेक्स्ट है वो जाके थर्ड पेज पे शिफ्ट हुआ। सो ये थी इस ब्लैंक पेज की कारकर्दगी, किसने क्या किया, आपको पहले ब्लैंक पेज दिया फिर आपका टेक्स्ट जाके उसने कर दिया थर्ड पेज पे शिफ्ट। बट अगर आप चाहते हो कि आपको टेक्स्ट जो आपका है वो आपका सिर्फ दूसरे पेज पे आए, तीसरे पेज पे ना आए, तो शिफ्ट करना चाहते हैं ना अलग अलग पैराग्राफ और एक एक पेज पे, तो उसके लिए आप ब्लैंक तो यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए आप, मैंने अभी कंट्रोल जेड किया, उसके लिए आप यूज़ करेंगे पेज ब्रेक। जैसे यहीं पे कर्सर रख के आप पेज ब्रेक करेंगे, डन फर्स्ट पेज एंड सेकेंड पेज, फिर यहाँ पे आके मैंने कर दिया भाई ब्रेक पेज, तो ये मेरे सारे जो भी पैराग्राफ्स हैं वो अलग अलग पेजेस के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। सो है ना कमाल की ये चीज़। तो इसी तरीके से आप अपने टेक्स्ट को डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग पेजेस के ऊपर। सो ये थी इसकी छोटी सी रॉकेट साइंस, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी और पसंद भी आई होगी। तो आज की हमारी क्लास इन तीन रिबन्स के ऊपर ही थी, जो कि बड़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। सो आई होप आपको समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना यार ना भूला करो। बस अपने फाद को इस तरह से फॉलो करते रहो और अपनी नॉलेज में इजाफा करते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।